Today in this video, I will tell you about four freelance services that does not require any kind of technical skill. इसके अलावा तुम्हें किसी भी तरीके की investment की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें basic computer चलाना आता है, तो ये चारों freelancing services तुम्हारे लिए हैं। You can use AI and other tools on internet to do all these four services and earn a good side income online. So without further ado, let's start the video and look at all these four freelance services. The first one is digital art, चाहे realistic पोर्ट्रेट्स हो, वाटर कलर डिजिटल आर्ट हो, कंसेप्ट आर्ट हो, डिजिटल इलस्ट्रेशंस हो या कार्टून पोर्ट्रेट्स हो, ये सब डिजिटल आर्ट की कैटेगरी में आती हैं। पहले जब AI नहीं था तो इनको बनाना बहुत डिफिकल्ट था। ग्राफिक डिजाइनर्स एंड इलस्ट्रेटर्स यूज्ड टू यूज सॉफ्टवेयर्स लाइक अडोब टू क्रिएट डिजिटल आर्ट, बट मिड जर्नी और अदर AI इमेज जनरेटिव टूल्स के आने के बाद इन डिजिटल आर्ट्स को बनाना बहुत ज्यादा इजी हो गया है। अगर हम यहाँ फाइबर पे टाइप करें डिजिटल आर्ट, तो हमें काफी सारे ऐसे सेलर्स मिल जाएंगे जो कि ऑलरेडी डिजिटल आर्ट सेल कर रहे हैं। जैसे कि ये है लेवल 2 सेलर फहद, ही क्रिएट्स डिजिटल आर्ट पेंटिंग्स एंड डिजिटल इलस्ट्रेशंस। इस तरीके की डिजिटल आर्ट बनाने का ये 871 रुपीस लेता है। सेम वे अगर हम रेड बबल पे देखें, जहाँ पर वॉल आर्ट्स बहुत सेल होती हैं, अब ये वॉल आर्ट्स बेसिक डिजिटल आर्ट्स होती हैं, कैनवस प्रिंट्स होते हैं, फोटोग्राफिक प्रिंट्स होते हैं, तुम डिजिटल आर्ट्स बनाकर मिड जर्नी से यहाँ पर सेल कर सकते हो। उसके अलावा एटसी पे भी अगर हम देखें, काफ़ी सारी डिजिटल आर्ट सेल होती हैं। एटसी पे डिजिटल आर्ट्स का सर्च वॉल्यूम है कुछ 95,000, यानी कि इतनी ज़्यादा डिमांड है एटसी पे, रेड बबल पे और बाकी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे डिजिटल आर्ट की। सपोज तुम्हें एक वाटर कलर पेंटिंग बनानी है ऑफ चेरी ब्लॉसम सीजन, एक ये प्रॉम्प्ट है, अ वाटर कलर पेंटिंग ऑफ कयोटो ड्यूरिंग द चेरी ब्लॉसम सीजन, फैंटेसी इलस्ट्रेशन, इंप्रेसिव स्प्रिंग स्काइज, एनिमे आर्ट, विविड पिंक ब्लॉसम्स, फैंटास्टिकल कल्चरल सीन, लेंस फ्लेयर। ऐसा डालते ही तुम्हारा ये एक डिजिटल आर्ट बनके तैयार हो गया। अब ये डिजिटल आर्ट को तुम एज अ वॉल आर्ट सेल कर सकते हो या अपने फाइबर अकाउंट पे इसको एज अ सैंपल लगा के लोगों को बता सकते हो कि तुम किस तरीके की डिजिटल आर्ट क्रिएट कर सकते हो। अगर ऑन एन एवरेज अंदाजा लगाया जाए तो एक डिजिटल आर्ट का प्राइस कुछ 200 और से 300 रुपीस के बीच में होता है, और मिड जर्नी के थ्रू इस तरीके के डिजिटल आर्ट बहुत जल्दी तुम बना सकते हो। इट इज जस्ट दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर प्रॉम्प्ट। इसके अलावा जर्नी हमारा पेड टूल है, जिसमें तुम्हें कुछ $10 खर्चने पड़ेंगे टू क्रिएट अराउंड 200-300 पीसेस ऑफ डिजिटल आर्ट। इसके अलावा अगर तुम कोई फ्री वाला टूल यूज कर रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट यू गो ऑन bing.com/image/create। जो बिंग का इमेज जनरेशन टूल है वो भी काफी अच्छा है। सेम वे स्टेबल डिफ्यूजन इज ऑल्सो ग्रेट फॉर क्रिएटिंग डिजिटल आर्ट। इसके बाद जो सेकेंड सर्विस आती है वो है तुम्हारी सेलिंग AI प्रॉम्प्ट्स। आजकल वीडियोस के लिए, टेक्स्ट के लिए और इमेजेस के लिए काफी सारे AI टूल्स बन गए हैं, बट हर एक को क्या प्रॉम्प्ट डालें कि उनका इमेज या टेक्स्ट बहुत अच्छा निकले वो नहीं पता। इसीलिए लोग आजकल ये जो प्रॉम्प्ट्स हैं इनका टेक्स्ट सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम मिड जर्नी प्रॉम्प्ट सेल कर रहे हो, तो उसमें डिजिटल आर्ट मिड जर्नी प्रॉम्प्ट्स काफी ज्यादा डिमांड में होंगे, क्योंकि डिजिटल आर्ट बहुत ज्यादा डिमांड में है। तो ये जो प्रॉम्प्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसको सेल करके तुम ऑनलाइन साइड इनकम कर सकते हो। अगर तुम एटसी पे जाओ तो देयर आर पीपल हु आर सेलिंग सो मेनी प्रॉम्प्ट्स, 200 मिड जर्नी प्रॉम्प्ट फॉर स्केच स्टोरीज 873, वेक्टर इलस्ट्रेशन के prompt 369, then all in one prompt for 822, 22,000 prompts for 1500. Etsy एक जगह है जहाँ पर तुम Midjourney prompt sell कर सकते हो, या तुम Gumroad पे Midjourney prompt sell कर सकते हो। उसके अलावा prompt base एक ऐसा marketplace है जहाँ पर 1,00,000 से भी ज़्यादा AI prompt हैं from the world best AI creators about Midjourney, ChatGPT, DALL-E, Stable Diffusion। अगर हम नीचे देखें, cottage core, spring theme, इस तरीके के clip art का अगर तुम्हें create करनी है और इसका prompt चाहिए, तो वो prompt है $4 का। Same वे इस तरीके के मास कैरेक्टर्स अगर क्रिएट करने हैं तो उसका प्रॉम्प्ट है $5 का। यही नहीं, यहाँ पर चैट जीपीटी के भी प्रॉम्प्ट हैं, जैसे कि एडवांस कंटेंट कैटलिस्ट, पर्सनलाइज्ड इनसाइट इंजन के प्रॉम्प्ट्स, इंस्टाग्राम मास्टरी के प्रॉम्प्ट्स, ऑप्टिमाइजिंग लाइन फॉलोअर्स, यूट्यूब वीडियो ट्रांसक्रिप्शन के प्रॉम्प्ट, हर तरीके के प्रॉम्प्ट सेल होते हैं। जैसे कि यूट्यूब वीडियो ट्रांसक्रिप्शन का प्रॉम्प्ट सेल होता है $7 पे। तो तुम ऐसी जो प्रॉम्प्ट मार्केटप्लेसेस हैं उन पे रजिस्टर कर सकते हो, या तो अपना स्टोर बनाकर रेड बबल पे, एटसी पे सेल कर सकते हो, या गमरोड। दिस इज येट अगेन अ पैसिव वे टू अर्न मनी ऑनलाइन। प्रॉम्प्ट बनाने में तुम्हें बहुत टाइम नहीं लगता। यू क्रिएट बल्क प्रॉम्प्ट, 25-30,000 प्रॉम्प्ट एक महीने में बना लो और उसको लाइफ टाइम के लिए सेल करते जाओ। इसके बाद द थर्ड
सर्विसेज फोटो कलराइजेशन एंड रिस्टोरेशन। पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट रिंकल्ड फोटो को में कलर डाल के उसको रिंकल फ्री बनाना इज ऑल अबाउट दिस सर्विस। तुम्हें तुम्हारा कस्टमर एक पुरानी फोटो दे देगा, तुम्हें उसमें कलर्स ऐड करने होंगे और उसको वापस से लाइफ देनी है। ऐसा करने के लिए पहले बहुत ज्यादा स्किल चाहिए होती थी फोटोशॉप की, बट अब ऐसा नहीं है। मार्केट में अगेन बहुत सारे AI टूल्स हैं। उससे पहले मैं तुम्हें ये स्किल की डिमांड दिखा दूं। फाइवर पे आई विल रिस्टोर एंड एड कलर्स टू फोटो 436 rupees, शी इज फाइवर्स चॉइस। और ये वाली देखो, दिस वन हैज डन मोर देन 1000 प्रोजेक्ट्स, दिस वन इज ऑल्सो अ लेवल 2 सेलर। ये सारी कितनी सारे लोग ये सर्विस सेल कर रहे हैं। सेम वे अगर हम Etsy पे जाएं तो यहाँ पर भी कॉम्पिटिशन लेस है, बट कितने सारे लोग ये सर्विस सेल कर रहे हैं। लाइक दिस वन फोटो रिस्टोरेशन सर्विस, ही हैज 1.2K रिव्यूज, ये एक बहुत ही पॉपुलर सेलर है। इन सारे काम का लोग 700 से लेकर 1200 रुपए चार्ज करते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले कहा है, यहाँ पर तुम्हें टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं है क्योंकि अब AI है। मैंने एक ऐसा टूल फाइंड करा जिसका नाम है वैंस AI। इट इज फ्री टू यूज AI फोटो एनहांसमेंट जनरेशन एंड एडिटिंग टूल्स। अगर तुम इसका रिस्टोर फीचर देखो, सी दिस इज हाउ दिस AI टूल कैन रिस्टोर द फोटोज एंड दिस इज हाउ दिस AI टूल एनहांसेस द फोटो। यू कैन यूज दिस टूल टू प्रोवाइड फोटो एनहांसिंग एंड रिस्टोरेशन सर्विसेज। इसके बाद द फोर्थ स्किल इज सेलिंग कलरिंग बुक्स ऑन Amazon, ऑन Shopify, ऑन Etsy और ऑन योर ओन वेबसाइट। कलरिंग बुक की, चाहे वो किड्स की हो चाहे वो एडल्ट्स की हो, बहुत ज्यादा डिमांड है। इस सर्विस के लिए तुम्हें थोड़ा बहुत टेक्निकल स्किल आना चाहिए, बेसिक कैनवा कैसे यूज करते हैं वो आना चाहिए। तुम्हें क्या करना है, कलरिंग पेजेस जनरेट कराने हैं मिड जर्नी या दूसरे AI इमेज जनरेटिव टूल्स को यूज करके कैनवा पे कंपाइल करना है और उसको सेल करना है। Etsy पे एक सेलर है द बोटानिकल नुक कनाडा के, इसकी कुछ 15,000 सेल्स है और ये सिर्फ और सिर्फ कलरिंग पेजेस सेल करते हैं इस तरह के। इसकी अगर हम एक लिस्टिंग देखें, दिस इज अबाउट फेरी होम्स इन जार कलरिंग बुक। अब इस तरीके के ये कलरिंग पेज सेल कर रहा है। इस तरीके के कलरिंग पेज मिड जर्नी के बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा अगर Amazon पे जाओ तो Amazon के कलरिंग पैक्स, जैसे कि पैक ऑफ 12 कॉपी कलर बुक्स फॉर चिल्ड्रन इज फॉर 329, यानी कि तुम्हें 12 कलरिंग बुक्स बनानी है और हर एक कलरिंग बुक कम से कम 20 पेज की होगी। 60 कलर पेज निकालने हैं मिड जर्नी के थ्रू, उनको कैनवा में कंपाइल करना है और Amazon पे सेल करना है। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पर इन डिटेल बताया है कि कैसे तुम AI टूल्स का यूज करके ये सारी कलरिंग बुक्स बना सकते हो। दिस इज अगेन येट पॉपुलर अनटच्ड फ्रीलांस सर्विस that you can provide as a beginner and succeed in your side hustle journey. So that's it about today's video. These were the 4 freelance online services that you can provide as a complete beginner to make some money from your home.